हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो आज के इस वीडियो में हम स्पीड टेस्ट कंपैरिजन करने वाले हैं आईफोन 10 और आईफोन 8 प्लस के बीच। सो दोनों फोन्स काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं। आईफोन 8 प्लस लॉन्च हुआ था 2017 में, वहीं आईफोन 10R 2018 में। एंड इसी के साथ दोनों फोन्स के परफॉर्मेंस एंड इंटरनल्स में भी डिफरेंस मिलता है। आईफोन 10R में मिलती है A12 बायोनिक चिप 3GB की रैम के साथ, वहीं आईफोन 8 प्लस में A11 बायोनिक चिप अगेन 3GB रैम। सो अब देखते हैं इतने साल के बाद दोनों फोन्स कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इन दोनों फोन्स के प्राइसिंग में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड अब लगभग 2022 खत्म होने ही वाला है, 2023 में आपके लिए कौन सा फोन अच्छा रहेगा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस स्पीड। सो कर लेते हैं सबसे पहले दोनों फोन्स का बूट टेस्ट एंड देख लेते हैं बूट स्पीड में कितना डिफरेंस है। सो लेट सी। ओके, सो आईफोन 8 प्लस काफी पहले बूट हो चुका है एज कम्पेयर टू आईफोन 10R, पर जो एक्चुअल वॉलपेपर है वो थोड़ा सा बाद में लोड हुआ है, बट स्टिल आईफोन 8 प्लस की बूट स्पीड ज्यादा है एज कम्पेयर टू आईफोन 10R। दैट्स स्ट्रेंज। सो दोनों आईफोन्स अपडेटेड है लेटेस्ट iOS 16.2 पे, एंड दोनों फोन्स में बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश टर्न्ड ऑन है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्जैक्टली सेम वाईफाई नेटवर्क, मल्टीटास्किंग में कुछ भी रन नहीं कर रहा, सभी एप्स क्लोज्ड है। स्टार्ट करते हैं बेसिक एप्लीकेशन सेटिंग्स, ऑलमोस्ट इक्वल, ज्यादा डिफरेंस नहीं था। देन ऐप स्टोर, आईफोन 10R फास्ट था। देन कैलकुलेटर, ऑलमोस्ट सेम। एंटर कर देते हैं एक डिजिट मल्टीटास्किंग के लिए। देन कैमरा, सो आईफोन 10R स्लाइटली फास्ट था। देन यूट्यूब, ओके सो यहां पे आईफोन 8 प्लस फास्ट था। देन Amazon, अगेन आईफोन 8 प्लस। देन Flipkart, सो यहाँ पे कोई मेजर डिफरेंस नहीं था, बट स्टिल आईफोन 8 प्लस स्लाइटली फास्ट था। एंड सबवे सर्फर्स, ओके आईफोन 10R बट स्लाइट मार्जिन था। देन ओपन करते हैं नेक्स्ट गेम टेम्पल रन 2, ओके सो इस बारी आईफोन 8 प्लस फास्ट था। सो ये चीज काफी स्ट्रेंज है दैट आईफोन 8 प्लस में मिलती है एक जनरेशन पुरानी चिप, उसके बाद भी कुछ कुछ गेम्स में आईफोन 10R को बीट कर रहा है। चेक करते हैं इस वाली गेम में फ्रूट निंजा, ओके सो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्लाइट सा डिफरेंस था, ऑलमोस्ट सेम थे। देन जेटपैक जॉयराइड, डेफिनेटली आईफोन 10R। देन पिन आउट, आईफोन 8 प्लस। सो ऑल्दो ये दोनों फोन्स काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं, बट स्टिल आई थिंक काफी अच्छी स्पीड प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक दोनों फोन्स 4 या 5 साल पुराने हो चुके हैं, उसके बाद भी दोनों फोन्स टाइम के हिसाब से काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, स्पेशली आईफोन 8 प्लस आप देख सकते हैं। सो डेफिनेटली किसी भी फोन के लिए 5 साल का टाइम काफी ज्यादा होता है, एंड इस वाले गेम में भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था। देन BGMI, ओके सो यहाँ पे आईफोन 10R स्लाइटली फास्टर था, बट ऐसा दोनों फोन्स की स्पीड में कोई मेजर डिफरेंस नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट आईफोन 8 प्लस में आपको मिलती है फुल HD डिस्प्ले, तो यहाँ पे ओल्ड चिपसेट होने के साथ साथ GPU को ज्यादा रेजोल्यूशन पुश करना पड़ रहा है, इसके बाद भी परफॉर्मेंस इज ग्रेट। सो दोनों फोन्स में काफी सारी एप्लीकेशन हमने लोड कर ली है। फाइनली देखते हैं मल्टीटास्किंग में कितना डिफरेंस मिलता है। ऐप स्टोर दोनों फोन्स ने दोबारा से लोड करा है। देन कैलकुलेटर दोनों फोन्स की मेमोरी में है। देन यूट्यूब अगेन दोनों फोन्स की मेमोरी में है। देन Amazon, इसको दोनों फोन्स ने दोबारा से लोड करा है। देन Flipkart, ये दोनों फोन्स की मेमोरी में है। देन सबवे सर्फर्स, सो यहाँ पे इस वाले गेम को भी दोनों फोन्स दोबारा से लोड कर रहे हैं। देन टेम्पल रन 2, अगेन इस वाले गेम को भी दोनों फोन्स दोबारा से लोड कर रहे हैं। सो एस दोनों फोन्स में आपको मिलती है एक्जैक्टली सेम रैम, मतलब कि 3GB की रैम। सो इन टर्म्स ऑफ मल्टीटास्किंग आपको यहाँ पे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। ऑल्दो आईफोन 10R में मिलती है लेटेस्ट चिप, इसके बाद भी आई डोंट थिंक सो आपको कोई एडवांटेज मिलता है। चेक करते हैं BGMI, तो दोनों फोन्स की मेमोरी में है। इन कॉल ऑफ ड्यूटी अगेन सेम रिजल्ट्स। देन चेक करते हैं अगली गेम पिन आउट, सो ये वाली गेम भी दोनों फोन्स की मेमोरी में है। देन जेटपैक जॉयराइड, अगेन ये गेम भी दोनों फोन्स की मेमोरी में है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों फोन्स में आपको मिलती है 3GB की रैम, उसके बाद भी मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस इज ग्रेट। एंड आप लोग इस लेवल की मल्टीटास्किंग किसी भी एंड्रॉइड फोन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, स्पेशली 3GB रैम के साथ। सो स्पेशली दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस से
आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। सो एज यू कैन सी इन टर्म्स ऑफ मल्टीटास्किंग एग्जैक्टली सेम परफॉर्मेंस है, नो डिफरेंस। इसके बाद कर लेते हैं वीडियो रेंडरिंग टेस्ट। सो इन टर्म्स ऑफ स्क्रबिंग यहाँ पे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑल्दो आईफोन 10R ज्यादा बेटर रहेगा वीडियो एडिटिंग में इन लॉन्ग टर्म या फिर हैवी एडिटिंग में। सो अप्लाई कर देते हैं एग्जैक्टली सेम फिल्टर, सेटिंग्स रखने वाले मैक्सिमम 4K 60 FPS, देखते हैं कितना डिफरेंस रहेगा रेंडरिंग में। ओके, सो आईफोन 10R ने कंप्लीट कर लिया है एंड इसी के साथ आईफोन 8 प्लस ने भी। सो अगेन यहाँ पे भी हार्डली 2 सेकंड का ही डिफरेंस था। सो गाइस, इस स्पीड टेस्ट को देखने के बाद आप लोगों को किस फोन की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी लगी है प्राइस एंड लॉन्च डेट के हिसाब से कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो अभी के टाइम में इन दोनों फोन्स की प्राइसिंग में लगभग 2 से लेकर 3 हजार रुपए का ही डिफरेंस है, बट वहीं इसके अलावा भी आपको दोनों फोन्स में काफी डिफरेंसेस मिलते हैं। लाइक आईफोन 8 प्लस में मिलता है टेलीफोटो लेंस, फुल HD डिस्प्ले, बट वहीं आईफोन 10R में मिलते हैं बेटर कैमरा परफॉर्मेंस, एडवांस चिप एंड वहीं स्पेशली अगर हम बात करते हैं स्पीड एंड परफॉर्मेंस की, सो उस केस में आपको डेफिनेटली आईफोन 10R के लिए जाना चाहिए, क्योंकि एज आईफोन 8, 8 प्लस एंड आईफोन 10 में iOS 16 की जो अपडेट है वो लास्ट अपडेट है। सो उस केस में भी आईफोन 10R इज बेटर। सो आप लोग आईफोन 8 प्लस का कंपैरिजन किस आईफोन के साथ देखना चाहते हो कमेंट डाउन बिलो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, टिल देन टेक केयर।